है एवरीवन सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम इस टाइप की फिल्टरेबल गैलरी किस तरह से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में क्रिएट कर सकते हैं एंड द गुड थिंग इज दैट इट इज 100 परसेंट फ्री यानी आपको किसी भी तरह के प्रीमियम प्लगइन की जरूरत नहीं है और इस टाइप की गैलरी आप बहुत इजिली क्रिएट कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे देखिए तीन कैटेगरीज बना रखी है माउंटेन्स कार्स एंड ट्रीज सो राइट नाउ अभी ऑल सेलेक्टेड है दैट मीनस सारी इमेजेस मिक्सड दिखाई दे रही है बट जैसे मैं माउंटेन्स यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा सिर्फ माउंटेन्स ही यहाँ पे दिखाई देगा इसी तरह अगर हम कार्स सेलेक्ट करते हैं तो ओनली कार्स विल बी विजिबल अगर हम ट्रीज सेलेक्ट करेंगे देन ओनली ट्रीज विल बी विजिबल अगर मैं ऑल पे चलता हूं तो आप देखो सारी इमेजेस फिर से यहां पे डिस्प्ले होने लगी और आप चाहो तो किसी भी एक इमेज को जूम आउट कर सकते हो जस्ट लाइक दिस यहाँ पर यू नो कैरोसल फीचर भी है तो आप चाहो तो इमेजेस वगैरह इजिली चेंज भी कर सकते हो सो so, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर कासिम। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गैलरी बनाने के लिए हमें को करना होगा. One, जी आपको एलिमेंटर प्रो की जरूरत यहाँ नहीं है हम एलिमेंटर का फ्री वर्जन यूज करेंगे two, ये भी एक 100 है जो आपको इंस्टॉल करना होगा एंड नंबर थ्री वी विल कस्टमाइज फिल्टरेबल गैलरी विद दिल्प ऑफ एलिमेंटर यानी एलिमेंटर की हेल्प से हम फिल्टरेबल गैलरी का कस्टमाइजेशन करेंगे ये हमारी वर्ड प्रेस की वेबसाइट और यहाँ पे हमें सिंपली प्लग इंस में जाना होता है एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन एड न्यू नाउ इन द सर्च बॉक्स वी हैव टू सर्च फॉर एसेंशियल एडोन्स ऑफ एलिमेंटर सो so, यहाँ पे आप देख सकते हो द वेरी फर्स्ट प्लग इन एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर बाय डब्ल्यू पी डिवेलपर इट हैज़ मोर देन वन मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन सो इस प्लग को आप सिंपली इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लो मेक श्योर sure इस प्लगिन को इंस्टॉल करने से पहले आपको एलिमेंटर का फ्री प्लग इंस्टॉल और एक्टिवेट जरूर करना है अदरवाइज़ ये एडॉन वर्क नहीं करेगा ओके okay, सो so ये एक सेटअप विजट है जब आप एसेंशियल एडवांस ऑफ एलिमेंटर प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट करोगे सो मेक श्योर आपको यहाँ पे बेसिक को ही सिलेक्टेड रखना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट ये आगे एलिमेंट्स सो so सारे एलिमेंट्स को सिलेक्टेड रखिए यहाँ पे देखिए फिल्टरेबल गैलरी भी सिलेक्टेड होना बहुत जरूरी है सो so मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे जितने भी डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्टेड है आप उनको एज इट इज छोड़ दीजिए एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट ओके टेम्पलेट को फिलहाल एज इट इज छोड़ दीजिए क्लिक ऑन नेक्स्ट नाउ अगेन स्क्रॉल डाउन क्लिक नेक्स्ट और ये हमारा फाइनल स्टेप आ चुका है जस्ट क्लिक ऑन द फिनिश बटन एंड सेट ओके नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट अ पेज सिंपली हमें पेजेस पे जाना है एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन एड न्यू ऑल राइट सो यहां पे हम एक टाइटल दे, दे, दे देंगे जस्ट लाइक फ़िल्ट्रेबल गैलरी जो नाम आप देना चाहो आप यहां पे दे सकते हो एंड देन वी कैन क्लिक ऑन पब्लिश मैं यहाँ पर एस्ट्रा थीम यूज कर रहा हूँ सो so, uh, यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स हमें करनी होगी जैसे कि साइड बार को डिसेबल करना होगा लेआउट फुल फुल विद्रेच होगा आफ्टर दैट वी कैन डिसेबल द टाइटल ब्रेड क्रम्स एंड फीचर्ड इमेज देन वी कैन अपडेट नाउ लेट्स लोड द पेज बिल्डर सो दिस इज द दिलीमेंटर एडिटिंग स्क्रीन नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ सेक्शन सो लेट्स क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन एंड पर वन कॉलम सेक्शन ले लेंगे ओके नाउ वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस सिक्स लिटिल डॉट्स आफ्टर दैट हमें इस कॉलम की सेटिंग को सेट करना होगा अप टू तो फिट टू तो स्क्रीन ताकि ये फुल हाइट व्यू पोर्ट में हो जाएगी आफ्टर दैट इस आउटर सेक्शन के अंदर एक ले लेते हैं इनर सेक्शन लाइक दिस ना बाई डिफॉल्ट इनर सेक्शन दो कॉलम्स में डिवाइडेड होता है सो वी जस्ट नीड टू एड वन मोर कॉलम यहाँ पे हमने एड न्यू कॉलम पे क्लिक किया सो टोटल थ्री कॉलम्स हो चुके हैं ना फर्स्ट वाले कॉलम की विद को हम सेट कर देते हैं अप टू ट्वेंटी परसेंट लास्ट वाले कॉलम की विद को भी हम सेट करेंगे ट्वेंटी परसेंट ओके एंड मिडिल वाले कॉलम की को हम सेट कर देते हैं लाइक like हमारा अगला टास्क है वी हैव टू टेक द गैलरी सो आपको सिंपली बीच वाले कॉलम के प्लस पे क्लिक करना होता है लेफ्ट हैंड साइड पे विजिट की लिस्ट ओपन हो गई या फिर आप ऊपर क्यूब आइकन पे भी क्लिक कर सकते हो और सर्च बॉक्स में हमें सर्च करना होगा एफ आई एल टी ई -E आर

एंड देन क्लिक ऑन एडिट फिल्टरेबल गैलरी तो ये सेटिंग्स यहाँ पे ओपन हो जाएगी नाउ अंडर द कंटेंट टैब यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन है आइटम्स टू शो टोटल छः आइटम्स यहाँ पे शो हो रहे हैं दैट मीन्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आप चाहो तो अपनी नीट के हिसाब से इस नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो बट आई एम जस्ट लिविंग इट एज इट इज इसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन 500 हंड्रेड मिली सेकेंड है इसको एज इट इज छोड़ दीजिए आधे सेकंड में होवर इफेक्ट और एनिमेशन वगैरह होता है दैट इज फाइन कॉलम्स टोटल थ्री कॉलम्स हैं आप चाहो तो फोर कॉलम्स कर सकते हो कॉलम्स का मतलब ये वन कॉलम ये दो कॉलम और ये थर्ड कॉलम ठीक है तो फिलहाल थ्री कॉलम्स ही बेटर है ग्रिड स्टाइल इसको आप चाहो तो ग्रिड में कर सकते हो या फिर मैसनरी कर सकते हो ग्रिड और मैसनरी में डिफरेंस क्या है ग्रिड में आपकी सारी इमेजेस का साइज अगर एक जैसा ही है मतलब अगर हाइट तीन पिक्सल है इसकी तो इसकी भी तीन पिक्सल होनी चाहिए इसकी भी तीन पिक्सल होनी चाहिए तब ये इस टाइप का बेटर दिखाई देगा और मैसनरी में बेसिकली क्या होता है आप कितनी भी बड़ी छोटी इमेजेस ले सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वो अपने हिसाब से पूरे लेआउट को प्रॉपर तरीके से डिजाइन कर देगा सो राइट नो हम यहाँ पे ग्रिड को इज छोड़ देते हैं फिर यहाँ पे इमेज की हाइट को स्पेसिफाई किया गया है इमेज हाइट 300 पिक्सल में है बेसिकली ये ठीक है 300 हंड्रेड पिक्सल से इसको इज हम छोड़ देंगे लेआउट ओवरले तो यहाँ बेसिकली इसका मतलब क्या है अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक इमेज का थंबनेल आ रहा है बट जैसे ही आप इसको होवर करते हो तो यहाँ पे इमेज का टाइटल आ जाता है कुछ डिस्क्रिप्शन आता है फिर यहाँ पे आईकन्स आ जाते हैं बट अगर आप इसको यहाँ से चेंज करोगे जस्ट लाइक कार्ड तो देखो कार्ड में किस टाइप का दिखाई देगा ये कुछ ऐसा देखिए शो होगा यहाँ पे टाइटल आ जाएगा फिर डिस्क्रिप्शन नीचे आएगा इसी तरह से थर्ड ऑप्शन है सर्च एंड फिल्टर इसमें भी कुछ डिफरेंट टाइप से डिस्प्ले होता है सो so, बेटर तरीका यही है कि आप इसको ओवरले पे एज इट इज छोड़ दो फिर यहाँ पे दिया हुआ है होवर स्टाइल स्लाइड अप, यानी ये होवर स्टाइल के एनिमेशन वगैरह हैं, आप चाहो तो फेड इन कर सकते हो या फिर जूम इन आई एम जस्ट लिविंग इट एज इट इज आफ्टर दैट आप चाहो तो आइकन्स वगैरह को भी यहाँ से चेंज कर सकते हो फिलहाल मैं इन ऑप्शन को एज इट इज छोड़ूंगा आफ्टर दैट हम चलते हैं फिल्टरेबल कंट्रोल्स इसका मतलब क्या है तो सबसे टॉप पर आप देखो यहाँ लिखा है ऑल इसके बाद लिखा है गैलरी आइटम फिलहाल आपको गैलरी आइटम दिख नहीं रहा होगा एक काम करते हैं मैंने आउटर सेक्शन की जो हाइट थी उसे कर दिया था फिट टू तो इस स्क्रीन इसको फिलहाल हम यहाँ कर देंगे मिनिमम हाइट ठीक है इसके बाद इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर लेते हैं सो लेट्स मेक इट समथिंग लाइक सेवन हंड्रेड इतना कर लिया अब इसके बाद आउटर सेक्शन की इनर पैडिंग को भी हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो टॉप पैडिंग कर देते हैं हम हंड्रेड और बॉटम पैडिंग भी कर देंगे हंड्रेड इतना ठीक है है ना तो ये प्रॉपर तरीके से अब दिख रहा है देखिए ये आ रहा है ऑल ऑफ द गैलरी आइटम तो यही फिल्ट्रेबल गैलरी के ऑप्शन है तो फिर से हम यहाँ पे चलते हैं फिल्ट्रेबल कंट्रोल्स और यहाँ पर आप देखो राइट right नाउ क्या दिया हुआ है गैलरी आइटम यानी ये है गैलरी आइटम जो कि फिल्ट्रेबल आइटम है इसी के साथ मान लीजिए आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर चेंज करूँगा माउंटेन्स ओके देखिए माउंटेन्स लिख करके आ गया इसी तरह से आप चाहो तो कुछ और फिल्टर्स भी यहां पे यूज कर सकते हो जस्ट लाइक कार्स या फिर आप यहां पे ले सकते हो ट्रीज एक चीज का आपको ध्यान देना है ये फिल्टरेबल गैलरी उस केस में आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप अपनी वेबसाइट पे पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर रहे हो यानी मान लीजिए अगर आप डिजिटल एजेंसी रन करते हो या आप एक वेबसाइट डेवलपर हो तो आप यहाँ पर ई e कॉमर्स के प्रोजेक्ट्स को ई e कॉमर्स में डिस्प्ले करवा सकते हो बेसिक वेबसाइट्स को यू you नो know, डिफरेंट टैब्स में डिस्प्ले करवा सकते हो इस तरह काफ़ी सारे फिल्टर्स आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे तो ये वीडियो सिर्फ एक डेमॉन्स्ट्रेशन के लिए है माउंटेन्स कार्स और ट्रीज में यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ आफ्टर दैट हमने फिलहाल तीन फिल्टर्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं अब हम चलते हैं गैलरी आइटम में ओके सो so, ये देखिए गैलरी आइटम है यानी ये छह इमेजेस जो थंबनेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं यहाँ पे आप देखो गैलरी आइटम नेम गैलरी आइटम नेम सब सो वन बाय वन हम ओरिजिनल इमेजेस को यहाँ पे ऐड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्लिक ऑन दिस फर्स्ट वन और यहाँ पे आप देखो कंट्रोल का नाम अब मैं एक माउंटेन की इमेज यूज करूंगा तो कंट्रोल नेम में आपको एंटर करना होता है माउंटेन्स ये नाम कहाँ से मिलेगा आपको आपने जो फर्स्ट वाले स्टेप में फिल्टरेबल कंट्रोल बनाया था उसमें ये हमने लिया था माउंटेन्स सो एग्जैक्ट सेम स्पेलिंग होनी चाहिए अगर अपर केस है तो अपर केस आप यूज करोगे लोअर केस है तो लोअर केस यूज करोगे तो ये माउंटेन्स मैंने यहाँ पे फिलहाल लिया हुआ था इसी तरह से गैलरी आइटम में जो फर्स्ट वाला गैलरी आइटम है इसके अंदर मैंने कंट्रोल का नाम लिखा है माउंटेन्स और यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो जैसे कि ले लो माउंटेन वन आफ्टर दैट यहाँ पे लॉरम एफसम का एक डमी टैक्स लिखा है आप चाहो तो अपना टैक्स यहाँ पे लिख सकते हो एंड आफ्टर दैट स्क्रॉल डाउन कीजिए ओके सो ये है इमेज का ऑप्शन यहाँ से हम एक डिफरेंट इमेज को अपलोड करेंगे सो एम जस्ट गोइंग ऑन टू माई डेस्कटॉप ओके सो ये है माउंटेन की इमेज लेट्स ओपन इट आफ्टर दैट इंसर्ट मीडिया पे हम क्लिक करेंगे और ये माउंटेन वेरी सोन यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगा देखिए माउंटेन आ गया आप चाहो तो इसको लिंक भी कर सकते हो किसी स्पेसिफिक यूआरएल से यहां पे देखिए लिंक का ये आइकन दिया हुआ है सो लेट्स मेक इट समथिंग लाइक एच टी टी पी एस मैंने गूगल के पेज से इस आइकन को लिंक करवा दिया है अब कोई भी यूज़र अगर यू you नो know, लिंक आइकन पे क्लिक करेगा तो गूगल का पेज ओपन हो जाएगा तो ये फ़िलहाल ऑप्शनल है आप चाहो तो करो अदरवाइज इसको एज इट इज़ आप छोड़ सकते हो आफ्टर दैट माउंटेन वन को हमने क्लोज कर दिया अब सेकेंड में चलते हैं यहाँ पर मान लेते हैं हम ले लेते हैं ट्रीज कंट्रोल नेम ट्रीज़ यानी ये जो ट्री की इमेज हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो ट्रीज़ वाले कंट्रोल में डिस्प्ले होगी तो आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान देना है ट्रीज अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है तो फिल्टरेबल कंट्रोल में जो ट्रीज़ की स्पेलिंग थी सेम एज इट इज़ अपर केस लोअर केस एज इट इज़ होना चाहिए अगर थोड़ा भी चेंज हुआ तो ये वर्क नहीं करेगा ओके okay, सेकेंड so वाले में हम चलते हैं यहाँ पर हम ले लें ट्रीज अब यहाँ पर हम आइटम नेम ले, ले लेंगे ट्री वन आफ्टर दैट इस फॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर एक ट्री की इमेज हम अपलोड करेंगे ओके सो ये है ट्री लेट्स अपलोड इट इंसर्ट मीडिया और ट्री यहाँ पे शो होने लग जाएगा इसी तरह से वन बाय वन मैं सारे इमेजेस को यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ आपको एक कार की इमेज भी अपलोड करके दिखा देता हूँ so यहां पर हम ले लेते हैं कार पहले कंट्रोल नेम्स आ जाएगा कार्स आफ्टर दैट कार वन एंड देन यहां पे हम कार की इमेज को अपलोड करेंगे ओके इंसर्ट मीडिया एंड देन अपडेट फिलहाल इतना मैंने कर दिया है अब मैं इस वीडियो को पॉज करके फटाफट सारी इमेजेस को यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ ओके सो मैंने टोटल छः इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर ली है अब चूंकि बाय डिफॉल्ट ये ऑल फिल्टर यहाँ पे सिलेक्टेड है दैट मीन्स सारी इमेजेस मिक्सअप यहाँ पे दिखाई दे रही है अब एक काम करते हैं फर्स्ट वाले कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं और लास्ट वाले कॉलम को भी हम डिलीट कर देंगे ओके okay, अब ये फुलवे में देखिए यहाँ पे डिस्प्ले होने लग गया कोई इशू नहीं है अब एक बार चलते हैं हम इनर सेक्शन की सेटिंग में और यहाँ पे इंटरनल पैडिंग को थोड़ा इंक्रीज करेंगे सो so परसेंटेज में इंक्रीज करते हैं ताकि ये बेटर तरीके से विजिबल भी होगा ऑलरेड right, इतना काफ़ी है आफ्टर दैट एक बार इस पेज को हम अपडेट कर देते हैं नाउ लेट्स ओपन दिस पेज इन अ न्यू टैब ओके सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये फिल्टर्स आ चुके हैं ऑल में देखिए सारी इमेजेस हैं बट जैसे मैं माउंटेन्स यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा सिर्फ माउंटेन की इमेज फिल्टर हो गई कार्स हम सेलेक्ट करेंगे तो ओनली कार्स यहाँ पे आते हैं और अगर आप ट्रीज सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ देखिए ट्रीज आ जाएगा बट ऑल सेलेक्ट करने पे फिर से सारी इमेजेस मिक्सअप यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगी अब इस पेज को थोड़ा सा और स्टाइलिश कर लेते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली आउटर सेक्शन की पहले सेटिंग में चलना है इसमें हम एक बैकग्राउंड कलर को सेट करेंगे सो लेट्स गो ऑन टू द बैकग्राउंड ऑप्शन यहाँ पे क्लासिक दिया हुआ है सो लेट्स मेक इट समथिंग लाइक ग्रेश कलर थोड़ा सा लाइट वाइट टाइप कर देंगे है ना इतना ठीक है इसके बाद फिल्टर की सेटिंग में चलते हैं ओके okay, फिल्टर में स्टाइल में चलेंगे हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट वाइट है इसको और आप वाइट फिर से दोबारा कर दो ताकि यू you नो know, ये ऑप्शन मिस नहीं होना चाहिए फिर से जनरल स्टाइल में चलते हैं पैडिंग आप यहाँ से इंक्रीज़ कर दीजिए तो थोड़ा बेटर दिखाई देगा लेट्स मेक इट फिफ्टीन आफ्टर दैट मार्जिन वगैरह आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है आप जैसे देखिए बॉर्डर रेडियस को इंक्रीज करोगे कॉर्नर से इसके मोल्ड हो जाते हैं फिलहाल अभी आपको नहीं दिख रहा है कोई इशू नहीं है मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा बॉक्स शेडो में हम थोड़ा थ्री इफेक्ट लगा देंगे सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस एक काम और करते हैं आउटर सेक्शन का बैकग्राउंड कलर को हम कर देते हैं ब्लैक इसे कर देंगे ब्लैक अब ज़्यादा बेटर विजिबल है ये है ना आफ्टर दैट वी कैन अपडेट दिस पेज नाउ लेट्स रिफ्रेश आवर फ्रंट पेज ओके सो आप यहां पे देख सकते हो हमने फिल्टरेबल गैलरी यहाँ पे बहुत ईजिली क्रिएट कर ली है लेट्स ट्राई टू फिल्टर वंस अगेन ओके दैट लुक्स वेरी नाइस और आप चाहो तो कुछ और चेंजेस भी यहाँ पे कर सकते हो सो लेट्स गो बैक पहले हम फिल्टर की सेटिंग में चलते हैं एंड देन अंडर दिस स्टाइल यहाँ पे आप देखो काफी सारे ऑप्शन है लाइक कंट्रोल स्टाइल तो इसमें बेसिकली आप देख सकते हो काफ़ी सारे चेंजेस आप यहाँ पे यू you नो know, कर पाओगे जैसे टेक्स्ट कलर है तो राइट नाउ बाय डिफॉल्ट ब्लैक है आप इसको रेड ग्रीन जैसा चाहो वैसा कर सकते हो आफ्टर दैट आइटम स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है तो आइटम स्टाइल भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो आइटम होवर स्टाइल भी है तो हालांकि सारे स्टाइलिंग फीचर्स हैं जो आप यू you नो know, अपने एंड पे ट्राई कर लेना फिलहाल आई एम जस्ट लिविंग इट एज़ इट इज़ और यहाँ पे अब इंटरनल जो हमने यू नो पैडिंग इंक्रीज की थी इसको कर देते हैं जीरो ठीक है आफ्टर दैट वी कैन अपडेट इट ऑल राइट सो आप इस तरह से फिल्ट्रेबल गैलरी बहुत ईजिली अपनी वर्ड प्रेस वेबसाइट में क्रिएट कर सकते हो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी टाइम लग गया बट आपको चैनल सब्सक्राइब करने में एक सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा और अगर आप चाहते हो कि आपके टॉपिक के ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताइएगा मैं डेफिनेटली आपके टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे